सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले निमसेट 2025। क्या निमसेट? निमसेट 2025 तो ये क्या होता है? निमसेट क्या है, मतलब किसको किसको देना चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है इनके एलिजिबल हैं, इनसे एग्ज़ाम को देने के बाद आपको क्या होता है, क्या कौन से कॉलेज जो है वो मिलता है, तो इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। और इसका जो है सिलेबस भी देखेंगे और पेपर का पैटर्न भी देखेंगे कि क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में चेक कर लिया था, कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। इसका कुछ नहीं है, दो मेन सबसे बड़ा जो है एलिजिबिलिटी वो है 60% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए, और आपका एक सब्जेक्ट 12 में या फिर आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है, 12 में या फिर आपका ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन के कोई भी एक सेमेस्टर में आपका मैथ्स होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको क्या मिलता है? टॉप NIT कॉलेज से आपको क्या MCA करने का मौका मिलता है? टॉप NIT कॉलेज, ठीक है, से आपको क्या करने का मौका मिलता है? MCA। NIT जैसे कि NIT त्रिची हो गया, NIT भोपाल हो गया, ठीक है, ये इन सब जो बड़े बड़े NIT जमशेदपुर हो गया, ये सब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इससे आपको MCA करने का मौका मिलता है। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत लोगों का सपना होता है कि हमें NIT कॉलेज से पढ़ाई करना है, बट वो कुछ कारण से JEE मेन्स नहीं दे पाते, तो एक अदर ऑप्शन होता है कि MCA करना है। किससे MCA करना है? निमसेट का एग्ज़ाम क्रैक करो और फिर आप NIT के थ्रू जो है MCA करो। NIT में अभी भी कितने 3 साल का है MCA है, सारे में 2 साल का हो चुका है, बट इसमें अभी भी 3 साल का है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे जरूर ज्वाइन करना। उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल रहे होंगे, आप कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। आप इवन निमसेट की करो, CUET का करो, जामिया की करो, कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, आपको हेल्प मिलेगी उस व्हाट्सएप ग्रुप से। तो जरूर से जरूर जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कांटेक्ट करने का हमारे पास है, ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है वहाँ पे भी जा सकते हो, और MCA ज्ञान ऐप है, एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कांटेक्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है एलिजिबिलिटी को लेकर के, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सबसे रिलेटेड भी आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस एग्ज़ाम को का पेपर पैटर्न जान लेते हैं क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो, युद्ध लड़ना है तो हमारे पास प्रॉपर साधन होना चाहिए, हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, सब चीज़ हमारे टिप पे होना चाहिए कि हाँ क्या होता है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एक सही होने पे कितने क्वेश्चंस, सही करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने गलत होने पर मार्क्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 1000 मार्क्स का होता है, ठीक है, 1000 मार्क्स, जी आप लोगों ने सही सुना, 1000 मार्क्स होता है। जनरल के लिए 500 प्लस सेफ स्कोर माना जाता है, ठीक है, 50% आसपास आपके कोई भी एग्ज़ाम में है तो वो सेफ हो जाता है। वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, 300 पे भी मिल जाता है कभी कभी कॉलेजेस नीचे के। टोटल 8 या 9 NITs हैं अभी, और IIITs भी इस साल से इंक्लूड हुए हैं, तो ठीक है, तो उस पर भी बाद में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से NITs है, कौन कौन से IIITs है। अभी पेपर का पैटर्न ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत मस्त एग्ज़ाम है। आप इसे देने के बाद जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बहुत से लोगों का क्या होता है, ये ड्रीम कॉलेज होता है, ठीक है, ये ड्रीम होता है कि हमें NIT क्रैक करनी है और फिर हमें जानी है। इसके लिए कोचिंगों में बच्चे 1-1 लाख रुपए फीस पे करते हैं सिर्फ प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए 1-1 लाख बच्चे देते हैं जाकर के कोचिंगों में, भर भर के कोचिंग में पैसे पेड करते हैं, और इससे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, फिर भी उनसे बहुत सारे बच्चे, सीट्स बहुत ही कम है, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसका जो एग्ज़ामिनेशन थोड़ा सा टफ होता है। और MCA के जितने भी एंट्रेंस हैं उससे सबसे ज़्यादा टफ ये निमसेट ही है। तो आप लोग अगर देने जा रहे हो तो एक बार देख लेना, इस अच्छे से पेपर पैटर्न को एनालिसिस कर लेना, अच्छे से एक बार देख लेना, फिर जो है आप जाना। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैथ्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ठीक है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज कैरी करता है वो मैथ्स करता है और लॉजिकल रीजनिंग करता है। ये देखो 600 में से 600 मार्क्स के तो सिर्फ मैथ्स के हैं, ठीक है, मैथ्स में 600 मार्क्स के आ जाते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ भी दो, अदर्स चैप्टर्स को छोड़ दो, अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, सिर्फ मैथ्स पे आप फोकस करो, सिर्फ मैथ्स पर जी जान से मैथ्स लगाओ, तो आपको कोई ना कोई NIT मिल जानी है, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स क्या कौन से कैरी करते हैं, ये मैथ्स। उसके बाद 240 नंबर जो है वो रीजनिंग के हैं, 240 नंबर किसके हैं, रीजनिंग के। रीजनिंग भी मतलब उतना टफ नहीं आता, ये बनने लायक होता है, तो रीजनिंग से भी बहुत ही स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, स्कोर को बूस्ट करता है ये,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के बना लिए, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के बना लिए, इस टाइप से जो है आप अपने मार्क्स में भी, एक मार्क्स होता है इसमें मैथ्स में 12 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन सही होने पे, ठीक है। टोटल कितने आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मैथ्स के जो है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक मार्क्स सही, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब 3 मार्क्स निगेटिव है। तो टोटल इस तरीके से 600 मार्क्स के पूरे पेपर होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक क्वेश्चंस करेक्ट होने पे 6 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग होने पे आपके 1.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। टोटल ये 240 मार्क्स के होते हैं, तो 600 इधर हो गया और 240 इधर हो गया, ठीक है। तो सिर्फ ये दोनों अगर आप करके जाओगे तो 840 मार्क्स के आसपास आप प्रिपेयर करके जाते हो। सिर्फ इसलिए ज़्यादातर फोकस करते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। कंप्यूटर अवेयरनेस तो अगर बीसीए बैकग्राउंड से हो तो वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है और वो बन भी जाता है। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें और ये होता है कितना, 6 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चन, और फिर आपका 1.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और 10 होते हैं इंग्लिश के, 4 नंबर होते हैं एक के, उसमें से पैसेज आ जाते हैं, फिर आपका सिनो एंटो ये सब इंग्लिश में ये सब जो है आ जाते हैं। अभी देखेंगे सिलेबस भी देखेंगे प्रॉपर कौन कौन से क्या है। तो ये था पेपर पैटर्न, एक बार इस पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा इस पीडीएफ को। ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, कहीं इधर उधर से नहीं किया, ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस हम लोगों ने उठाया है, तो ये पूरा करेक्ट है, पूरा सेम इसी एज इट इज़ आता है, ठीक है, यही पेपर पैटर्न फॉलो होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में जैसा कि आपको पता है 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, कितने 50 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के आते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स जो ये कवर करते हैं, तो देखो सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी ये इजी भी माना जाता है, सेट थ्योरी हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एलजेब्रा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट के आ जाते हैं, ठीक है, कैलकुलस ये भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेक्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है निमसेट के पर्पस से, इससे क्वेश्चंस आपको दिखता ही दिखता है। तो वेक्टर हो गया, वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स है वो देखने को मिलता है, इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशंस, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, इससे तो इक्वेशन आता ही आता है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आप एक बार सिलेबस देख लेना, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आप चिपका दो वॉल पे या फिर कहीं पे भी, आपके सामने होना चाहिए सिलेबस, तो आपको हमेशा दिखना दिखते रहना चाहिए, तो ज़्यादा बेनिफिट करता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के ये प्रॉपर एक टॉपिक नहीं दिया हुआ रहता है, बट इसके जो सिमिलर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया, फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, तो फिर फिगर्स वाले, और फिर ये ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोलिज्म हो गया, फिर आपके जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब मैं बात करूं कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में जो बेसिक बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट हो गया, डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, इंटीजर्स, अर्थमेटिक, टूज वंस, टूज कॉम्प्लीमेंट, इसमें देखो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, एडिशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आता ही आता है, जैसे बाइनरी को ऐड करना, फिर कन्वर्जन वाले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, इन सब क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जनरल इंग्लिश में आ जाते हैं, तो जनरल इंग्लिश में एंटोसिनो, जैसा कि मैंने बताया मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आ गए, फ्रेजेस आ गए, टेक्निकल राइटिंग आ गया, इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे जो बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर होते हैं, नाउन, टेंसेस, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, ये था सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया इस पे पेपर पैटर्न के साथ। अब हम बात कर लेते हैं, भैया आपने सब तो बता दिया बट अब प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखो हमारे जितने भी आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो ये महाराष्ट्र सीटी के लिए बैच है, ये जामिया के लिए है, ये CUET MCA के लिए, ये हम लोगों ने निमसेट का इस बार से क्या किया है, निमसेट का इस बार से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा बहुत महंगे महंगे टेस्ट सीरीज मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो हम लोगों ने एक बार जा करके आप विजिट करो, इसका एक बार प्राइस देखो, फिर आप देखना टोटल इसमें जो है 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे,
30 मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे जैसे ज्वाइन करते हो, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, नोट्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, सब चीज़ होगा इसमें। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के अलावा सब चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 टेस्ट दे दिए, मतलब ईजी से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से फिर हार्ड, इस लेवल के टेस्ट सीरीज हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो एक बार जा करके आप देखो, टेस्ट सीरीज देखो, समझो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक मिल रहा होगा, एक बार जा करके आप विजिट करो, हमारे वेबसाइट पर विजिट करो, चेक करो, कंटेंट देखो, उसके बाद फिर डिसाइड करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। और अभी बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जून में इसका एग्ज़ाम होता है, तो अभी भी आपके पास बहुत सफिशियंट टाइम है, स्टार्ट कर दो और जो है एग्ज़ाम को क्रैक करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।